हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी की इस क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में। इस सीरीज में जिसमें हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि 2000 एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ 300 सीरीज। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 15। जैसा कि हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हर वीडियो में हम लोग 20 अराउंड क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी लेवल के लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। दिस इज अ कॉमन टेम्पलेट जिससे आप अपने इवेल्युएशन के लिए कि आप इंडियन पॉलिटी में कहाँ स्टैंड करते हो, क्या लेवल है आपका, क्या इफेक्टिवनेस है, वो चेक कर सकते हो। इस पेज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज ये कॉमन टेम्पलेट हो चुका है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द फर्स्ट क्वेश्चन रीड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दिस इंप्लाइज दैट ओके ईच इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए हैज एन इक्वल नंबर ऑफ वोट, दैट्स इनकरेक्ट। एमपी एंड एमएलए, एमपीज और एमएलए के नंबर ऑफ वोट जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, दोनों के पास एक एक वोट होता है। एमपी एंड एमएलए ऑफ स्टेट हैव द सेम नंबर ऑफ वोट, दैट इज इनकरेक्ट। अगेन कंट्री लेवल पे तो सेम होता है बट स्टेट लेवल ऑल एमपीज एंड एमएलए हैव वन वोट ईच, सो दैट इज मोस्ट प्रोबेबल आंसर। बट हम लोग फोर्थ का भी हमें आंसर मिल गया है, स्टिल जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसको भी हम लोग रीड करेंगे, हो सकता है इससे मोस्ट प्रोबेबल अच्छा आंसर हमें इसमें मिल जाए। MPs and MLA of different state have different number of votes, so that is also incorrect. The most appropriate answer of this question is C. 282 we are moving to, consider the following statement about the powers of President of India and we have to figure out in relation to powers of President of India the correct statement. Four statement has been given, so you can pause the video, you can read it all together and thereafter you can respond. मैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में एंटर कर रहा हूँ। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दैट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रादर नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शुड बी प्लेस्ड बिफोर हिम, सो दैट इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रेसिडेंट कैन कॉल ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या कैबिनेट मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं कि जो भी आप लेजिस्लेशन के प्रपोजल अपने पास रखने जा रहे हो उसकी एक कॉपी मुझे भिजवाओ। द प्रेसिडेंट हैज राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट इज ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन मस्ट बी communicated to the president, so that is also correct. All the four statement that you can see here is correct and hence the answer is going to be D. 283, India is described as union of state because Indian Federation is not result of agreement between the states, so that is करेक्ट स्टेटमेंट। यूएस की तरह जो यूएस में सभी स्टेट्स जो हैं एक साथ आए और तब जाके वहाँ फेडरेशन का निर्माण हुआ, फेडरेशन एस्टेब्लिश, सो दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट हियर। द इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन, अगेन दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। यूएसए में ये राइट है स्टेट्स के पास, प्रोविंसेस के पास, बट इंडिया में ये राइट नहीं है, इंडिया के पास, इंडियन किसी भी स्टेट के पास ये राइट्स नहीं है, हेंस एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट, हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 284, द प्रिंसिपल ऑफ collective responsibility under parliamentary democracy जो कि हम लोग practice कर रहे हैं implies that जो collective responsibility की बात करते हैं कि council of ministers does have collective responsibility towards the लोग, उस collective responsibility के कुछ और भी आयाम हैं, तो उनका क्या मतलब है। Three statement has been given and we have to figure out the correct statement. A motion of no confidence can be moved against council of ministers as a whole as well as an individual, so ये मतलब नहीं है, और वैसे भी ये statement अपने level पे गलत है। इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी ब्रॉट ओनली अगेंस्ट होल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। एलिमिनेशन का अगर यूज करें तो एक ही स्टेटमेंट अनलिमिनेट हो रहा है। दूसरे स्टेट, नो पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड टू द कैबिनेट एक्सेप्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नो पर्सन शैल बी रिटेन्ड एज मेंबर ऑफ कैबिनेट इफ द प्राइम मिनिस्टर सेज दैट ही शैल बी डिसमिस, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड हेंस 2 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 285, वी आर इनटू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट टू ईच फाइनेंशियल ईयर शैल बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन सच डे एज द प्रेसिडेंट डिसाइड्स। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो आता है उसको एक मनी बिल का दर्जा दिया जाता है, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट
का परमिशन लेना पड़ता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट। 286 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आपको डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन यस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD। तो 1, 2, 3 कहीं है, 1, 2, 3 यस, बी इज द राइट स्टेटमेंट। 287 नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑन सेसेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ वॉर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे फॉरन अफेयर्स भी बोला जाता है। तो ये राइट जो है डिक्लेयर करने का ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इंस्ट्रक्टिंग वर्ड अगेन, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, करेक्ट नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट हमें बताना है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन अ पर्सन्स, प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन अ पर्सन सेंटेंस बाई अ कोर्ट मार्शल, सो दैट्स इनकरेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ पर्सन, ठीक है। द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन वेस्ट विद, बट इट्स एक्सरसाइज इज टू बी रेगुलेटेड, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इनकरेक्ट हमें बताना है, सो ए इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ऑल दो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इवन इफ यू हैव फाउंड योर आंसर इन टू द फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेल्फ, यू शुड बी रीडिंग ऑल थ्री स्टेटमेंट एटलीस्ट, इट शुड बी सी। क्या होता है कई बार कुछ क्वेश्चन में ऐसे होगा कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं और उन दो आंसर में से आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर फिगर आउट करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में अगर आपको एक आंसर मिल गया और बाकी के स्टेटमेंट आप रीड नहीं किए, तो हो सकता है इससे ज्यादा अच्छा प्रोबेबल आंसर आप छोड़ दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो अभी के टाइम के पॉसिटिव के मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, बट मेक श्योर ये सभी स्टेटमेंट्स आप लोग रीड करें, और कुछ नहीं तो एक एडिशनल लर्निंग आपके पास हो जाएगी। 289 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज करेक्ट, करेक्ट हमें बताना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 20%, नहीं भाई, कैन नॉट, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 15% ऑफ द साइज ऑफ द लोकसभा। 91st कमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये बताया था, राइट। सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, बिकॉज 15% द रैंक ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर इज डिटरमिंड बाई द प्रेसिडेंट, नो, दिस रैंक ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर की कैबिनेट मिनिस्टर होगा या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, ये दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर। द मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी, सो दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट हमें बताना है, हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 290 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, सो द पावर ऑफ एडवाइजिंग प्रेसिडेंट एज रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी ये तीन स्टेटमेंट पढ़ लेना, पहला स्टेटमेंट बिकॉज मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं बाकी तीन स्टेटमेंट, बट वो मिस्टेक आपने नहीं करनी है। 291 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नो पर्सन अबव द एज ऑफ 35 ईयर, अ पर्सन अबव द एज ऑफ 35 इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स करेक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन वन टर्म, सो दैट इज करेक्ट। द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ इफ ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है, हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 292 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ नो कॉन्फिडेंस इज मोशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, बोथ हाउस सेपरेटली नो, बोथ हाउस इन जॉइंट सिटिंग नो, ठीक है, सो ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। द स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड, फैक्चुअल है, ही इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। 294th वी आर मूविंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज करेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, डी। 295th ईजी क्वेश्चन से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडिया हैज अ ड्यूअल पॉलिटी बट विद अ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, आर्टिकल 16, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इन जम्मू एंड कश्मीर द स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड, सो ये क्वेश्चन पुराना है, स्टेट लेजिस्लेचर अर्लियर, सो उस टाइम के अकॉर्डिंग जब ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया था, सो दैट स्टेटमेंट वॉज करेक्ट एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 296 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन
स्टेट इट प्राइमरली टॉक्स अबाउट कि कौन कौन से चीज़ों में ऑफ गिवन फॉलोइंग आइटम्स किस किस चीज़ें में जो सेक्युलरिज्म की झलक सेक्युलरिज्म की छाप आपको मिलती है। तो प्रियम्बल लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ वर्शिप की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स में आप लोग आर्टिकल 25-28 जानते हैं। सिमिलरली DPSP में कॉमन ब्रदरहुड एंड प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड ठीक है फ्रेटर्निटी वगैरह की बात सिंपल सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज भी सेक्युलरिज्म की बात करता है कहीं ना कहीं। सो ऑल द फोर आइटम्स दैट हैज़ बीन गिवन राइट दैट प्रमोट्स और अपहोल्ड्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट एंड सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 297 एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो इट इज 14 डेज। 298 वी आर मूविंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर नॉट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये वैसे भी पता होना चाहिए, इसके लिए मुझे ऑप्शन रीड करने की जरूरत नहीं है। दो मेंबर्स थे एक्चुअली फेमस मेंबर्स दैट इज महात्मा गांधी एंड योर्जिना राइट जो कि मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं थे राइट। HC मुखर्जी बहुत डिबेट किया था, बहुत थोड़ा सा राइट लीनिंग था। तो HC मुखर्जी was not the member of और हमें not the member बताना है। so 1 and 2 is going to be right answer। 299th we are moving to with reference to the fundamental rights consider the following statement and we have to tell the correct statement। state legislature can make laws to give effect to all fundamental rights that's incorrect ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लॉज नहीं बना सकती। पार्लियामेंट अलोन कैन मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट सो दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल सो दैट्स करेक्ट एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जो भी इसके रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स को ऑपरेशनल बनाने के रिगार्डिंग या ऑफेंस डिक्लेयर जैसे अनटचेबिलिटी या चाइल्ड लेबर को ऑफेंस डिक्लेयर करना है, किस हद तक ऑफेंस होगा, क्या जेल होगी, क्या पनिशमेंट होगा, ऑल दिस हैज़ टू बी ऑन ऑल दिस इशू लॉज विल बी डिस मेड बाय इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। द टर्म इक्वालिटी इन द प्रीएम्बल इज सप्लीमेंटेड बाई विच प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इक्वालिटी की बात की गई है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात की गई है आपके प्रीएम्बल में। कॉन्स्टिट्यूशन के और किस किस पार्ट में ये इक्वालिटी की बात है? सो इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज तो यस दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी जहाँ हर एक पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट टू इज रिलीजन फाइनेंशियल स्टेटस आप उसे इक्वल दर्जा। जब लाइन में लगता है वोटिंग की लाइन में तो अंबानी जी भी वहीं लगेंगे और एक गरीब महिला भी वहीं लगेगी। तो ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को सप्लीमेंट करती है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये भी आपकी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को सप्लीमेंट करती है। अबोलिशन ऑफ टाइटल अगेन ये भी हेल्प करता है इक्वालिटी के विजन को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के इक्वालिटी के विजन को एनविजन करने में। सो ऑल थ्री 1, 2, 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी राइट answer। So with this we are wrapping up this video। 300 question out of 2300 questions हम लोगों की तरफ से रिलीज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। Please do let us know कि किस तरह से आपको ये video कैसा लग रहा है। Do you want us to make similar video on other subject like history, geography, art and culture, science and tech, economy and other things।